इस वक्त हम रक्सौल के जमीन पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों का मूड क्या है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। कि मोदी जी ने कौन से काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, गिनती गिनाएंगे तो लगता है कि पन्ना भर जाएगा। देश को कहां से कहां पहुंचा दिए वो। क्या आपको लगता है कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है, इसका पहले देख लीजिए, आज देख लीजिए। पहले अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने घुटने टेकने पड़ते थे, आज हम लोग कंधे पर हाथ रख के उसको घुमाते हैं, वो हमारे कंधे पर हाथ रख घूमते हैं। अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया देश, अभी सो ये पूछने वाली बात है, देश को कहाँ से कहाँ मोदी जी पहुँचा दिए। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? पहले यहाँ लोग विपक्ष सरकार बोलते थे कि रोड मत बनाइए, सीमा चाइना के सीमा के नज़दीक में कहीं दुश्मन चला आएगा, इसलिए रोड को बनाना ही नहीं है कि उधर के उधर पैदल आएगा। अब मोदी सरकार ने पूरा सीमा तक रोड बना दिए 4 लेन के साथ, कि हमारा टैंक उसके सीधे घर में घुसेगा। क्या इस बार 400 पार होगा? पूरा 100 400 प्लस है, 400 पार 400 प्लस है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने मोदी के पक्ष में जो काम किए गए हैं उनको उन्होंने गिनाया है, और भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है इस बार, क्या है जनता का मूड, क्या है? अच्छा है सर। किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार की। 400 पार होगा? हो जाएगा। क्या मोदी के काम से आप संतुष्ट हैं? जी क्या बहुत अच्छे है? अच्छे है। एक महिला भी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या राशन कार्ड जो है आपको मुफ्त में राशन मिलता है क्या? नहीं, हमको नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते। आयुष्मान कार्ड आपने बनवाया है? नहीं बनवाया हम। अच्छा, पहले सड़कें यहाँ कैसी थी और आज सड़कें कैसी हैं? बहुत अच्छी है अभी सड़कें। सड़कों का जो विकास हुआ है वो भी लोग बता रहे हैं, हम इनसे भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या रक्सौल में विकास हुआ है? हाँ सर, विकास तो आपके सामने हो ही है, हम लोग संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। क्या इस बार मोदी की सरकार आएगी? 100% सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी के कार्यों से संतुष्ट हैं और उन कार्यों को गिना भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र तिवारी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी जी। मोदी जी ने क्या विकास किया और किस विजन पे आप मोदी जी को वोट देंगे? विकास का लहर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है वो, हमारे और देश के लिए क्या क्या किया है देश मोदी, हर हर मोदी। जैसा सुन रहे हैं कि हर हर मोदी और घर घर मोदी के भी नारे लग रहे हैं, और मोदी जी का विकास क्या रक्सौल में नजर आता है? बहुत विकास हुआ है, जो नहीं देखने का वो देखने को मिल रहा है। सड़कें बनी है, आयुष्मान कार्ड मिला, बहुत कुछ मिला है, आयुष्मान कार्ड भी है, बहुत कुछ मिला है। क्या आपको राशन का फायदा मिल रहा है? सब कुछ का फायदा मिल रहा है, ओनली मोदी जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना कि मोदी मैजिक यहाँ चलने वाला है, लोगों का कहना है कि इस बार मोदी मैजिक चलेगा, एकदम चलेगा। इस बार क्या लगता है, बीजेपी जीतेगी या महागठबंधन? इस बार लगता है बाकी जगह का तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे रक्सौल से गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन ने क्या किया है रक्सौल के लिए? अभी इससे पहले भी मतलब जो भी हुआ है यहाँ पे गठबंधन का ही है, बीजेपी के राज में तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक हमारे नजरिए से। सड़कें कब बनी, राशन कार्ड कब मिला, राशन कब मिल रहा है, आयुष्मान कब किसके शासन में मिला? राशन तो मैं बचपन से उठा रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड बना क्या? जब से पैदा हुआ हूँ तब से राशन उठा के खा रहा हूँ, आज कोई नई चीज नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बार किसकी सरकार? देखिए, हम उनसे वोट देंगे जो हमको काम करेगा। यानी आप रोजगार की बात कर रहे हैं? रोजगार भी देंगे तो उसके लिए वोट देंगे उसको। लोगों की अलग अलग राय है, लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं और आगे भी हम लोगों का विचार लेते रहेंगे। एक काका है, हम इनसे भी जानने के पड़े, आखिर इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? मोदी जी के। मोदी जी से क्या फायदा हुआ है आपको? राशन मिलता है। राशन भी एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, जो मुफ्त में राशन मिल रहा है वो लोगों के लिए। क्या चाचा आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यही निवासी है। क्या रक्सौल में विकास दिखा है? हाँ, बहुत विकास दिखा है। जैसे क्या क्या विकास हुआ है रक्सौल में, कुछ बता सकते हैं? जैसे वो ट्रेन खुली है और इसे सारे बहुत सारे काम हुआ है। सड़कों की स्थिति पहले और अब में क्या फर्क? बहुत बढ़िया बना है, अभी ठीक हुआ है। क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? जी, 400 पार हो जाएगा। इस बार क्या लगता है यहाँ किसकी सरकार? जो है वही रहेगा। जो है वही। क्या बीजेपी के शासन में विकास हुआ है, सड़कें बनी है? बहुत विकास हुआ है, बहुत बना है। आयुष्मान कार्ड मिला है क्या? हाँ, आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? वही है, जो जीता है वही जीतेगा। फिर जो जीता है वही जीतेगा, लोगों का कहना है। बहुत सारे और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है और वो क्या कहता है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी?
इस बार तो सर किसी को कहा नहीं जा सकता है, वो सब अपना ही अपना है, किसी को कुछ कहा नहीं जाता। अभी सबका परिस्थिति अब तो गिनती होने के बाद ही था चलेगा। फिर भी अनुमान क्या है, ये जनता की राय हम लोग ले रहे हैं, इसमें अनुमान क्या है? अनुमान अभी यही है कि जैसे कि देखिए अभी बीजेपी का बोल ज़्यादा है और कंटेंडर सब जो है वो सब अपना अपना कार्य में लगा हुआ है। अब देखिए अब आगे भविष्य जिसको जहाँ ले जाए। क्या रक्सौल में पहले की अपेक्षा अभी विकास हुआ है? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। पहले सड़कें कैसी थी, आज सड़कें कैसी हैं? अभी तक कुछ विकास नहीं है। जब तक ये धाक जीते थे आज 10 बरस से जीत रहे हैं, 10 बरस से कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कुछ विकास नाम कोई चीज़ यहाँ काम नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार मोदी मैजिक चलेगा? एकदम चलेगा। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। क्या साल में नहीं हुआ जो हो रहा है अभी? क्या सड़कों की क्या स्थिति थी, आज क्या है? अब हम मान लीजिए आप राष्ट्रीय स्तर से पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर से तो काम हुआ है, लोकल स्तर से देखेंगे तो काम थोड़ा कम बेसी होता है। सड़कों की स्थिति रक्सौल में पहले कैसी थी और अभी कैसी? पहले से सब कुछ बेहतर है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे? अब 400 पार करेंगे तो भाग्य है हम लोग, अच्छी बात है, पार करना अच्छी बात है।